IPL 2022 को लेकर बड़ा अपडेट आज कोलकाता से टकराएगी हैदराबाद। हैदराबाद के पास जीत की हैट्रिक बनाने का मौका तो है, टू हेड में नाइट राइडर्स का पलड़ा है भारी। IPL में आज हैदराबाद और कोलकाता के बीच भिड़ंत देखने को मिलेगी। वह सनराइजर हैदराबाद की बात करें तो शुरुआत में दो बड़ी हार के बाद उस टीम को रिजेक्ट कर दिया गया था। ये मान लिया गया था कि जो भी इसे खेलेगा दो पॉइंट तोहफे में ले जाएगा, पर इसके बाद तो पहले चेन्नई और फिर लखनऊ को हराकर हैदराबाद ने तहलका मचा दिया। वही स्टार प्लेयर्स की कमी के बावजूद भी सनराइजर हैदराबाद का प्रदर्शन इस बार उमदा रहा है। वही कोलकाता तीन जीत के बाद दो मैच हार चुकी है। वही कोलकाता की टीम के पास स्टार खिलाड़ियों की पहुंच है। वही टॉप ऑर्डर की खराब प्रदर्शन यानी खराब बल्लेबाजी के बाद एक बार रसल और दूसरी बार केमिस ने टीम की नैया को पार लगाया, लेकिन यह बार संभव नहीं है। वही दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों को देखें तो 21 मुकाबले दोनों के बीच अब तक खेले गए, जिनमें 14 बार कोलकाता जीता है तो वही 7 बार हैदराबाद ने भी बाजी यहाँ पर मारी है। वही आखिरी 6 बार की टक्कर की बात की तो 5 बार कोलकाता जीती है, पर असली खेल बाद में यहाँ पर शुरू होता। दरअसल ब्रेबोर्न में खेले गए अपने तीनों मुकाबलों में केकेआर को हार नसीब हुई है, जबकि यहाँ खेले गए एकमात्र मैच में हैदराबाद ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। वही हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन IPL में 2000 रन पूरे करने से केवल 8 रन दूर है। वे कोलकाता के खिलाफ अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर टीम के तब जो शुरुआत है वो करने का प्रयास अच्छी करेंगे, यानी अच्छी शुरुआत करने की यहाँ कोशिश करेंगे। वही बैटिंग कोच ब्रायन लारा ने अभिषेक के खेल पर काफी मेहनत यहाँ पर की है। उसका असर चेन्नई के खिलाफ खेली गई 75 रन की धमाकेदार पारी पर नजर आया। राहुल त्रिपाठी लास्ट सीजन तक कोलकाता की बैटिंग लाइनअप की जान थे, लेकिन पर उनको यहाँ पर इस बार कोलकाता ने अटेंड नहीं किया। सनराइजर हैदराबाद की तरफ से वो यहाँ पर खेल रहे हैं। वही राहुल ने पुणे सुपर जॉइंट्स की ओर से यहाँ पर 2017 में खेलते हुए कोलकाता के खिलाफ 52 गेंदों में 3 रन यहाँ पर बनाए थे। वही यहाँ पर दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो मुंबई इंडियंस की यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स की जो संभावित प्लेइंग 11 है उसमें वेंकटेश अय्यर और अजिंक्य रहाणे, श्रेयस अय्यर और सैम बिलिंग्स और नीतीश राणा ऑलराउंडर में रसल, बेन केमिस और सुनील नारायण और रसिक सलाम और उमेश यादव और वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी इस टीम की होगी। तो वही सनराइजर हैदराबाद की बात करें तो अभिषेक शर्मा बल्लेबाज के रूप में केलेन विलियमसन और राहुल त्रिपाठी, एंडर मार्करम और निकोलस पूरन इस टीम के बल्लेबाजी की जान है। तो वही ऑलराउंडर में सुशांत सिंह और गेंदबाजी की कमान भुवनेश्वर कुमार और मार्क जैसन, उमरान मलिक, टीना टांजन और सैयद गोपाल इस टीम की गेंदबाजी को संभालेंगे।